नमस्कार, मैं राहुल मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आर एक्सप्रेस के खासो खास शख्सियत खास बातचीत में। आज हमारे पैनल में मौजूद है अरविंद श्रीवास्तव जी, जो कि एक विद्यालय के संचालक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अरविंद जी। धन्यवाद राहुल जी। अरविंद जी, विद्यालय खोले जाने को लेकर के कई बार आप लोगों ने मांग की थी, जिला प्रशासन से भी मांग किया, सरकार से भी मांग किया, क्या कहना चाहेंगे अब? देखिए, कोरोना काल ने तो देखा जाए अगर तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया जी। जहां पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चौपट हुई, वहीं शिक्षा भी बुरी तरीके से प्रभावित हुई जी। और निरंतर हम लोग मांग कर रहे थे, जबकि लॉकडाउन समाप्त हुआ जी जी, और तमाम बाजार वगैरह जैसे है, सिनेमा हॉल है और हवाई जहाज है, ये सब खुलना शुरू हो गए। उसके बाद हम लोगों ने प्रशासन से और शासन से ये मांग किया कि विद्यालयों को खोला जाए कोविड प्रोटोकॉल के तहत जी। इसके लिए हम लोगों ने कई बार जिलाधिकारी महोदय जो रावली में है, वैभव श्रीवास्तव जी, इनसे मिलकर के हम लोगों ने ज्ञापन पत्र भी दिया। इन्होंने पूरे रिकमेंडेशन के साथ ऊपर भेजा। अभी हाल ही में यहाँ पर डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी आए थे जी। हम लोगों का एक एसोसिएशन है, रावली स्कूल मैनेजर एसोसिएशन, क्योंकि उसका मैं संरक्षक हूँ। हम लोग पूरी कमेटी के माध्यम से उनसे मिले थे और उनसे मांग किया था कि विद्यालय को खोला जाए, क्योंकि सब कुछ खुल चुका है जी जी। अब क्योंकि आप आदेश आ गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश कर दिया है कि 10 फरवरी से क्लास 6-8 खोला जाएगा और 1 मार्च से क्लास 1-5 खोला जाएगा। मैं सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम लोगों की मांगों को माना और इस शिक्षा को महत्वपूर्ण दर्जा दिया और शिक्षा को समझा कि शिक्षा भी बहुत आवश्यक है, इसको बंद करना लगातार उचित नहीं है। अरविंद जी, जहां तक देखा जाए आप लोगों की मांगों को मान लिया गया, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास फिफ्थ तक के क्लासेस हैं, इनको खोलना जरूरी रहा? देखिए राहुल जी, जरूरी इसलिए था क्योंकि 10 माह बीत चुके हैं जी और सब कुछ खुल गया है जी जी। बाजार में देखिए आप इतना भीड़ है, इसके बावजूद देखिए अभी आप शादी समारोह में देखिए, केवल वेटर मास्क लगाए थे, बाकी कोई भी मास्क नहीं लगाया था जी। तो सब कुछ खुल गया है, कहीं कोई अप्रिय समाचार नहीं मिल रहा है, इसलिए शिक्षा को ही केवल बंद क्यों रखा जाए जी। बिल्कुल अरविंद जी, पहले जब कोरोना काल चल रहा था, करीब 8-9 महीने से ऊपर हो गया समय विद्यालय बंद थे। रही बात सरकारी विद्यालयों की, तो उनकी तो फंडिंग सरकार से होती है, प्राइवेट जैसे आप लोग प्राइवेट कॉलेज हैं, क्या समस्याएं थी, किन समस्याओं को आपने इस कोरोना काल में देखा, जिनको लेकर के आप लोग काफी बार परेशान भी हुए, कौन सी ऐसी बड़ी समस्याएं थी जिनको लेकर के आप लोग काफी चिंतित भी दिखे? देखिए, निजी विद्यालय जिनको की कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है जी, उनको चलाने का, उनको संचालन करने का एकमात्र उद्देश्य होता है पेरेंट्स द्वारा मिलने वाली फीस जी। और चूंकि कोरोना काल के दौरान विद्यालय बंद थे, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, शहरों में तो मैं मानता हूं कि ऑनलाइन पढ़ाई 50-70% तक सक्सेस थी, लेकिन ग्रामीण अंचलों में ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। ऐसे में एक धारणा बनी पेरेंट्स की कि फीस जब स्कूल नहीं तो फीस न दी जाए। हालांकि इसको मैं पूरी तरह से सही नहीं मानता हूं, क्योंकि स्कूल जो चल रहा था, टीचर्स भी आ रहे थे, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, तो कम से कम जहां पे ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी वहां के पेरेंट्स को चाहिए था कि फीस जमा करते जी। मैं शहर के अपने सम्मानित पेरेंट्स को धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि शहर में जहां जहां ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी वहां पर अधिकांश पेरेंट्स ने फीस जमा किया है जी। ऐसे पेरेंट्स धन्यवाद के पात्र हैं और उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा। इस दौरान आप लोगों के ऊपर भी काफी आक्षेप लगे, पेरेंट्स ने ही काफी विरोध भी किया कि हम पढ़ाई नहीं हो रही है, विद्यालय बच्चा नहीं जा रहा है तो हम फीस नहीं देंगे, तो उन अभिभावकों के लिए आप क्या कहेंगे? मैंने बताया कि पेरेंट्स जागरूक पेरेंट्स और समझदार पेरेंट्स भी हैं जी। मैं 2-4 पेरेंट्स की बात नहीं करता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि ज्यादातर शहर के जो इतने पेरेंट्स हैं जी, वो सभी समझदार थे और उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा को एक्सेप्ट किया और ये चूंकि व्यवस्था भी थी और साथ में जरूरत भी थी जी, कि ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों को कराई जाए, नहीं पूरा बच्चों का साल खराब हुआ जा रहा था जी। ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई को कराया गया और ऑनलाइन पढ़ाई काफी हद तक बच्चे समझे। कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए तो कई गार्जियंस ऐसे हैं, उन्होंने ये भी कंप्लेन की कि ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से उनके बच्चे भी बिगड़ रहे हैं, क्योंकि वो लोग मोबाइल का दुरुपयोग कर रहे हैं, पता चला टीचर या घर में जैसे हैं, घर में अब माताजी खाना बना रही हैं या परिवार के सदस्य अपने अपने कामों में बिजी हैं, बच्चों को मोबाइल दे दिया गया, अब वो पता चला पढ़ाई कीजिए उसमें गेम खेल रहा है, तो ऐसे भी कई वाक्य आए होंगे।
ये सुना भी पड़ा था, क्योंकि कोरोना की वजह से छोटे क्लासेस में जहाँ तक प्राइमरी और जूनियर सेक्शन हैं, इसमें ऑनलाइन पढ़ाई करानी पड़ी जी। क्योंकि अब आप देखते हैं कि जो भी टेंथ और ट्वेल्थ के बाद जो भी एग्जाम होते हैं वो सारे एग्जाम ऑनलाइन होते हैं जी। तो बच्चों को अभ्यस्त किया जाए लॉकडाउन के दौरान और कोरोना काल के दौरान, ये एक देखा जाए तो एक सीख भी मिली बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा कैसे ली जाए, ऑनलाइन शिक्षा बच्चे ग्रहण किए। और ये बात आप जैसा कि कह रहे हैं कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए या जो है बच्चे उसमें खेलने लगते थे, तो ये भी शिकायतें मिलती थी, इसमें थोड़ा सा पेरेंट्स का सहयोग भी मिला, जहां जहां पेरेंट्स बच्चों के साथ बैठते थे वहां बच्चे पढ़ते भी थे और उसका लाभ भी लिए। अच्छा, अभी आप बोल रहे थे कि जैसे कि शादी विवाह वगैरह कार्यक्रम चल रहे हैं, अन्य कार्यक्रम भी चल रहे हैं, लोग बेधड़क जाते हैं, मास्क का कोई प्रयोग नहीं करता, सैनिटाइजर का कोई प्रयोग नहीं करता, 2 गज दूरी जो है जरूरी उसका भी कोई पालन नहीं करता, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि कोविड की वैक्सीन आ जाने की वजह से लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं? हाँ, ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरीके से गया नहीं है। हालांकि ये अच्छी बात है कि वैक्सीन आ गई है और लोगों को लगना भी शुरू हो चुकी है, डॉक्टर्स को लग चुकी है, हमारे सेना के जवानों को लग रही है और जल्दी ही जो है समाज के अन्य लोगों को भी लगना शुरू हो जाएगी। लेकिन तब तक सबको सोशल डिस्टेंसिंग है, जैसे मास्क है, इस सब चीज को प्रयोग करना चाहिए और पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए। अच्छा, इस कोरोना काल में आप लोग, अब विद्यालय खुलने जा रहा है तो अब आप लोगों की भी जिम्मेदारियां काफी बढ़ गई हैं। जिन क्लासेस में 40-40 बच्चे थे, मान लिया कुछ जगह पे जो मानक सही है, व्यवस्थाएं हैं, समुचित व्यवस्थाएं हैं, जहां व्यवस्थाएं नहीं तो उनके लिए कैसे तालमेल बैठा ला जाएगा? क्या 2 शिफ्ट में विद्यालय चलाएंगे, कैसे वो होगा? देखिए, इसमें भी उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस आएंगी, जो कि सरकार ने खोलने के आदेश कर दिए हैं जी। और हमको लगता है कि आज से कल तक में गाइडलाइंस भी आ जाएंगी कि उसको कैसे फॉलो करेंगे हम लोग। और हम तो चाहेंगे, अभी जो कि गाइडलाइंस नहीं आई है जी, हम चाहेंगे कि 50% अटेंडेंस के साथ स्कूल खोला जाए। और एक चीज हम और भी कहना चाहते हैं कि फिर भी जो बच्चे खुलने के बावजूद जो पेरेंट्स अगर अभी भी नहीं चाहते हैं सुरक्षा की दृष्टि से कि बच्चों को हम अभी ना भेजें, जी जी बिल्कुल, ऐसे पेरेंट्स अगर चाहें तो बच्चों को ना भेजें, वो ऑनलाइन पढ़ाई का लाभ लेते रहें। और जो पेरेंट्स जैसे बच्चे कुछ ऐसे हैं, जैसे जो हमारे आरटीई के बच्चे आते हैं जिनके यहाँ व्यवसाय नहीं है, या जैसे कि जैसे किसी के यहाँ मोबाइल एक है और बच्चे 2 पढ़ने वाले हैं, तो ऐसे बच्चे जो है वो तो आवे। और जो बच्चे जो पेरेंट्स चाहते हैं कि अभी बच्चों को ना भेजें हम, तो वो चाहे तो ना भी भेजें। तो अभिभावकों से क्या अपील करना चाहेंगे या आम जनमानस से क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, आम जनमानस से तो मैं अपील ये करता हूँ कि कोरोना अभी गया नहीं है, आप लोग वैक्सीन लगवाइए, आने वाले समय में वैक्सीन सभी को लगेगी, और थोड़ा सा जो भी सोशल डिस्टेंसिंग है और मास्क वगैरह है उसका प्रयोग करते रहें, क्योंकि ऐसा देखने में प्राय आ रहा है कि लोग मास्क का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, उसको प्रयोग करना चाहिए। और ये उनके लिए कोरोना की वजह से ही नहीं, और भी तमाम बीमारियों की वजह से भी ये जरूरी है। इसके अलावा जो आपने कहा कि जो है आगे हम लोग कैसे करेंगे, इस विद्यालय कैसे चलाएंगे, तो 50% अटेंडेंस और सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी सैनिटाइजर वगैरह है, मास्क वगैरह, पूरा कोविड का जो प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट का आएगा उसका पालन किया जाएगा। और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ सरकार को कि किसी भी प्रकार की कोई ऐसी अप्रिय समाचार नहीं मिलेगा। जैसा कि हमारे पैनल में अरविंद श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, जो एक विद्यालय के संरक्षक भी हैं, संचालक भी हैं, तो अरविंद श्रीवास्तव जी का कहना है कि आप लोग कोविड की दवा आ जाने की वजह से, वैक्सीन आ जाने की वजह से लापरवाह ना हो, जो भी सरकार द्वारा गाइडलाइन दी जा रही उस गाइडलाइन का पालन करें और स्वयं सुरक्षित रहें, अपने परिजनों को भी सुरक्षित रखें। नमस्कार।